दिखाया होगा। तो आज हम लोग अभी इसमें डालेंगे सरसों, देखते हैं उसका तेल कैसे निकलता है। अभी हम इसमें सरसों को इसको मशीन ऑन करके इसको पीसेंगे और इसका जो ये रहेगा मैन्युफैक्चरिंग वो सिर्फ घूमेगा और डायरेक्टली हम लोग प्योर तेल इसमें से बाहर निकालेंगे। इसमें कुछ भी केमिकल या फिर प्रिजर्वेटिव्स ऐड करने की इसमें हम लोग को ज़रूरत नहीं है। तो आपको पूरा नेचुरल और ओरिजिनल तेल इसमें से मिलेगा। हमारी जो दूसरी मशीन है ये 20 किलो की है, इसमें अभी हम लोग नारियल का तेल निकालेंगे। तो चलिए देखते हैं हम लोग नारियल का तेल कैसे निकलता है। अभी इसमें हम लोग नारियल डालेंगे, इसको हम लोग लगभग एक घंटे तक घुमाएंगे जिसमें से करीबन 12 किलो तक अपने को तेल मिलेगा 20 किलो का नारियल डालने के बाद। ये इतना प्योर ऑयल आपको मिलेगा कि आप इसको खाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, शरीर पे लगाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, बल्कि जो छोटे बच्चे रहते हैं उसको भी हम लोग लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। आजकल की औरतें जो केमिकल से भरा हुआ मॉइस्चराइज़र यूज़ करती है उसके बदले में हम लोग ये नारियल का भी तेल लगा सकते हैं। इसको आप सुबह उठ के भी पी सकते हैं डायरेक्टली। तो अभी जो आप देखेंगे कि इसमें से नारियल का तेल पूरा निकलेगा, अभी ये मशीन घूम रही है, इसका जो स्पीड है वो 14 RPM से ज़्यादा नहीं होगा, इसलिए हम लोग इसको कोल्ड प्रेस वर्जिन कोकोनट ऑयल भी बोलते हैं। तो ये भी मशीन और एक घंटे तक इसको घुमाएंगे, तब तक हम लोग मस्टर्ड ऑयल की तरफ जाते हैं। तो जब तक हमारा कोकोनट ऑयल बन रहा है हम लोग मस्टर्ड ऑयल चालू करेंगे। मस्टर्ड ऑयल ज़्यादातर उत्तर भारत के तरफ खाया जाता है। उसका खासियत ऐसा है कि जो जॉइंट पेन वगैरह का जो प्रॉब्लम है उसको ये ठीक करने में मदद करता है। इसका जो मॉइस्चर है वो 4-5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो अभी हमने इसमें 13 किलो का सीड्स डाला है जिसमें से हमको सिर्फ 2-2.5 किलो ही तेल निकलेगा। इसका जो वेस्टेज है उसका भी अपने को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जो मुर्गी पालन वाले लोग हैं वो खुद आके यहाँ से लेके जाते हैं। जी जो शुरुआत है वो आदरणीय राजीव भाई दीक्षित के वजह से प्रेरित होकर हमने ये एक प्लांट चालू किया था। तो आज हमारे 2 से 3 और अभी 4 प्लांट हम लोग चला रहे हैं जिसमें से तकरीबन 30-40 लोगों को हम लोग रोजगार दे रहे हैं। तो शुरुआत में इसमें इसके काफ़ी हमको प्रॉब्लम आए, लेकिन जैसे जैसे लोगों को पता चला कि ये तेल वाकई में अच्छा है और जो रिफाइंड ऑयल से ज़्यादा इसके फायदे हैं, तब से इसका डिमांड मार्केट में बढ़ता गया है और ये आगे भी बढ़ता ही जाएगा। अगर हम लोग देखेंगे जो हमारे पूर्वज भी है वो सेम लकड़ी खाने से बनाया हुआ तेल ही खाते थे, बस उस टाइम पे फर्क ये था कि बैल घूमते थे और अभी यहाँ पे मोटर आ गई है। तो अभी वो लोग कैसे हट्टे कट्टे रहते थे, कोई भी बीमारी नहीं होती थी और 80-90 साल तक वो लोग जीते थे। अगर आज के हम नौजवानों को पूछे कि हर किसी को डायबिटीज़ की तकलीफ, 35 के उम्र में किसी ना किसी को हार्ट अटैक का प्रॉब्लम है, उसका एक ही कारण है, जो मार्केट में रिफाइंड और गंदा सबसे बेकार मिलने वाला तेल जो हम लोग रोज़ के खाने में खा रहे हैं। हम लोग देखेंगे कि नारियल का तेल बनने को आ गया है, ये थोड़ा और भरेगा, इसके बाद हम लोग सिर्फ इसको नीचे से निकाल के ले लेंगे। तो जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं उन सबसे मेरी यही दरख्वास्त है कि जितना ज़्यादा हो सके इस तेल का इस्तेमाल करें, क्योंकि जैसे अपने सबको मालूम है रिफाइंड ऑयल अपने सेहत के लिए अच्छा नहीं है। अगर हम किसी जानवर के सामने तंबाकू भी रखें तो वो खाने से मना करता है, हम तो फिर भी इंसान है। जैसे हम लोग बोलेंगे कि जो मूँगफली का तेल हमारा बनता है वो मार्केट प्राइस से भले हम बोलेंगे कि 2 गुना ज़्यादा है, लेकिन अगर आप उसको यूज़ करेंगे तो जहाँ पर आपको 1 लीटर रिफाइंड ऑयल लगता है इसका सिर्फ 0.5 लीटर ऑयल लगता है, वो हमारी गारंटी है। जैसे आपने देखा नारियल का तेल बन गया था और वो यहाँ तक भरा हुआ था। अगर हम सरसों के तेल की बात करें तो आपको वो ज़्यादा भरा हुआ नहीं दिखेगा, क्योंकि इसमें जो ऑयल परसेंटेज आता है वो इतना ज़्यादा नहीं आता, कंपेरेटिवली वो सिर्फ 20% ही आता है, तो आपको वो ज़्यादा ऊपर तक भरा हुआ नहीं दिखेगा। अब देख सकते हैं हमारा सरसों का तेल लगभग बन के तैयार हो गया है। तो अभी हम लोग इसको मशीन बंद करते हैं और वहाँ से हम लोग निकाल के ले लेंगे। तो हम लोग इसमें से निकाल के ले लेंगे, तो आप देख सकते हैं यहाँ से अभी ये निकलना चालू हो जाएगा।
हमारा कोकोनट ऑयल भी बन के रेडी है, इसको भी हम लोग अभी निकाल के ले लेते हैं। हम अभी ऑयल निकाल रहे हैं। ऑयल का, कोकोनट ऑयल का परसेंटेज जो है वो सबसे ज़्यादा निकलता है, तकरीबन 60% तक इसका ऑयल निकलता है। ज़्यादा साउथ में लोग खाते हैं, लेकिन अभी सब जगह इसको खाने चालू करते हैं। जैसे कि अगर आप देखें तो केरला के जो लोग हैं वो उनका बाल को ज़्यादा लंबे रहते हैं और कंपेरेटिवली ज़्यादा हेल्दी, ये फैट लॉस में भी आपको हेल्प करता है। अभी घानी मशीन से निकाला हुआ तेल अभी हम लोग फूड ग्रेड स्टोरेज टैंक में हम लोग स्टोर करते हैं, जो कि हम लोग आगे यहाँ पे फिल्ट्रेशन प्रोसेस के लिए लेते हैं। हाँ, अभी यहाँ पे हमने पाइप लगाया हुआ है, उस पंप के जरिए यहाँ से तेल खींचा जाता है जो उस पाइप से इस फिल्टर मशीन तक पहुँचता है। यहाँ पे हम लोग क्लॉथ फिल्टर का इस्तेमाल करते हैं जो 10 माइक्रोन का क्लॉथ है। अब यहाँ से देखेंगे इस नल में से वो फिल्टर किया हुआ तेल नीचे जमा होना चालू हो जाता है। ये कम्प्लीटली फिल्टर्ड तेल है, जितने भी छोटे मोटे चीज़ें उसमें आती है वो पूरा फिल्टर करता है। फिल्ट्रेशन में हमारा जो छोटे मोटे पार्टिकल्स है वो भी निकल जाएंगे, तो आपको पूरा शुद्ध तेल मिलेगा। यहाँ से हम लोग फिल्टर किया हुआ तेल इस नल के जरिए हमारे बड़े स्टोरेज टैंक में स्टोर होता है। ये तकरीबन 100 लीटर का स्टोरेज टैंक है। इस स्टोरेज टैंक के बाद हम लोग बॉटल भरना शुरू करते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस जो है वो हम लोग स्टोरेज टैंक में ऑयल भर के देख लेते हैं। जैसे कि आपने देखा ऑयल पूरा भरा हुआ है, इसको हम लोग बॉटल पैकेजिंग में ले लेते हैं। इसको हम लोग एक एक लीटर के बॉटल में, आधे लीटर के बॉटल में और 5 लीटर के बॉटल में ये उपलब्ध होता है। जो लोग इस बिजनेस में हमारा वीडियो देखकर आना चाहते हैं उनके लिए आप क्या कहेंगे? मैं लोगों के साथ अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा। जब बिजनेस चालू किया तब बाहर से लगा था कि काफ़ी अच्छा बिजनेस है, तो पैसा डाल दिया। तो मैं लोगों के पास जाके जब अपना ये तेल बेचने लगा तो वो बोले कि मार्केट में 100 रुपये का तेल है, मैं आपका 300 रुपये का तेल क्यों लूँ? तब कहीं ना कहीं 6 महीने तक मेरा बॉटल बिका ही नहीं एक भी। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि अब मैं बर्बाद हो गया, ना घर का रहा ना घाट का, तेल के चक्कर में मैं पानी में डूब गया। लेकिन जैसे ही कहीं ना कहीं पता, लोगों को इसके फायदे पता चले तो 200 कस्टमर जुड़े, माउथ पब्लिसिटी से लोगों को पता चला कि क्या इस तेल के बारे में फायदे है। तो मैं लोगों को, आपके व्यूअर्स को बताना चाहूंगा कि ये बिजनेस आज नहीं, ये 1000 सालों तक का बिजनेस है, लेकिन आपको वेट करना पड़ेगा। तो अब मार्केट में 150 में कच्ची घानी का ऑयल ले लो, ऐसा कुछ फंडा चल रहा है, वो क्या है? देखिए, आप अभी इंडिया में, ये पूरा जुगाड़ का काम है, जुगाड़ का। तो आप सोचिए, अभी आप किसी भी किराना दुकान में जाइए, आप मूंगफली का एग्जांपल लेते हैं, ये 80 से 90 रुपए किलो मूंगफली अपने को मिलता है।